A very good morning, class 4th. Dear students, this is your third class and chapter name is More on MS Word. My dear students, जैसा कि इसके पहले की दो क्लासेस में हमने आपको MS Word के बारे में बताया, यानी MS Word क्या है, How can you open MS Word, यानी आप MS Word कैसे ओपन करते हो, इसके डिफरेंट फीचर्स लाइक फाइंड एंड रिप्लेस करना, स्पेलिंग मिस्टेक एंड एरर चेकिंग करना, इसके अलावा बुलेट्स एंड नंबरिंग, अलाइनमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में हमने आपको बताया. देन आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. और आज का जो टॉपिक है, यूजिंग अ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग एंड प्रिंट प्रीव्यू. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, प्रिंटर, जैसे प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम से किसी भी चीज़ को प्रिंट देते हैं, यानी किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं और उसका हम रिजल्ट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं. MS Word offers a facility to print and preview the files from the same location by clicking on file and then print by previewing files. You can visualize how the document will look before printing. That means MS Word जो है आपको facility provide करता है क्या, अपने document को print करने का और उसका प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखने के लिए. जो भी फाइल से आप फोल्ड आप लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो किसी भी लोकेशन पर, तो MS Word आपको क्या ऑफर देता है, यानी ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में ले सकते हो. बाय प्रीव्यूइंग फाइल्स यू कैन विजुलाइज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर प्रिंटिंग. यानी प्रीव्यू जो होता है, प्रीव्यू जो ऑप्शन आप होता है वो क्या करता है, यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट को शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट एक्चुअल में वो उसका लुक कैसा है, वो कैसे दिखता है. देयर वॉज नो प्रिंट प्रीव्यू टैब इन कम इट कम्बाइन्स द प्रिंट डायलॉग बॉक्स द मोस्ट कॉमन पेज सेटअप एलिमेंट एंड प्रिंट प्रीव्यू. यानी जब आप प्रिंट ऑप्शन चूज़ करते हो तो वहीं पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है और डायलॉग बॉक्स मिलता है और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू जो है वो आसानी से देख सकते हो. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट. तो यहाँ पे प्रिंट, अगर किसी पेज को आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करते हो. सबसे पहले यहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स देख सकते हो. क्लिक ऑन फाइल टैब द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर. यानी सबसे पहले क्या करोगे आप, MS Word जो आपने ओपन किया है उसके फाइल टैब पर आप जाओगे. फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद उसके बैक स्टेज व्यू पे आपको दिखेगा. वहाँ पे स्टेप टू में आप क्या करोगे, प्रिंट सेलेक्ट प्रिंट टैब एंड द प्रिंट पेन विल अपीयर. यानी आप प्रिंट टैब पे को सेलेक्ट करोगे और प्रिंट पेन आपको दिखने लगेगा. फिर आप स्टेप थ्री पे आओगे, नेविगेट टू द प्रिंटर पेन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर. उसके बाद आप प्रिंटर पेन को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, नेविगेट करोगे. नेविगेट मीन्स उसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे और जो प्रिंटर भी आपके सिस्टम पे जो प्रिंटर इंस्टॉल है उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे. देन नेक्स्ट स्टेप में एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट, सेलेक्ट एनी एडिशनल सेटिंग्स इफ नीडेड. यानी अब आपको उस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ चाहिए वो आप क्या करोगे, अपने प्रिंटर पर नंबर एंटर करोगे. और अगर आपको कोई एडिशनल सेटिंग करनी है, यानी कॉपीज़ के लिए, या जैसे आपके पेपर्स होते हैं, आपको पोर्ट्रेट्स में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, किस टाइप में आपको प्रिंटिंग चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा सेटिंग आप चाहते हैं तो वो भी वहाँ से आपको टैब्स दिखेंगे, आप कर सकते हो. आफ्टर देन क्लिक ऑन प्रिंट. और लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पेज है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा. देन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रिंटिंग एंड आप इसको फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट को MS Word में प्रिंट कर सकते हो. आफ्टर देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, शॉर्टकट कीज. माय डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स अलाउज यू टू परफॉर्म द एक्शंस यूजिंग ओनली योर कीबोर्ड. यानी कीबोर्ड शॉर्टकट जो होते हैं वो आपको क्या अलाउ करते हैं, यानी अपने कीबोर्ड से आप शॉर्टकट कीज़
को यूज़ करके कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज यू वुड हैव टू परफॉर्म दोज एक्शंस विथ योर माउस. और अगर आपको कि शॉर्टकट कीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो वर्क आप किसकी हेल्प से करते हैं? माउस की हेल्प से. मेनी पीपल फाइंड दैट यूजिंग द कीबोर्ड इज़ फास्टर दैन यूजिंग द माउस बिकॉज दियर हैंड्स आर ऑलरेडी पोजिशनड ऑन द कीबोर्ड. दैट मीन्स माई स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं वो आपके ईजी होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ माउस. क्यों? क्योंकि आपका जो आपके जो फिंगर्स होते हैं वो कीबोर्ड पे सेट होते हैं और आपको जो भी वर्क करना है आप क्या करते हो, क्विकली आप उसको प्रेस कर देते हो. जबकि माउस में क्या होता है, माउस को आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, उस ऑप्शन पे जाना पड़ता है, तब जाकर के वो परफॉर्म होता है. इफ दे आर टाइपिंग इन द टेक्स्ट देन हियर मेनी कीबोर्ड्स आर प्रेजेंटेड. फर्स्ट शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल प्लस होम. इसका यूज़ क्या होता है, जंप टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. कंट्रोल होम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पोजीशन पर जा सकते हो. कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की हेल्प से जंप्स टू हैंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. यानी आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के एंड यानी बॉटम साइड पे आप जा सकते हो. उसके बाद आपका है कंट्रोल प्लस राइट एरो जंप्स टू द नेक्स्ट वर्ड. यानी कंट्रोल और राइट एरो का यूज़ करेंगे तो आप नेक्स्ट वर्ड पे जंप कर सकते हो, जा सकते हो. कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो है दैट मीन्स जंप टू द प्रीवियस वर्ड. यानी अगर आपको अपने प्रीवियस वर्ड पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस जो कीबोर्ड में एरोज की होती हैं, कीबोर्ड में आपकी चार कीज होती हैं, कौन कौन सी, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम. तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ करूँगी. कंट्रोल प्लस डाउन एरो जो होता है जंप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो का यूज़ करेंगे. अगर आपको प्रीवियस पैराग्राफ पे जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ करेंगे. आपके कीबोर्ड में होम की भी होता है तो यहाँ पे आप जंप टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, यानी होम की आप प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग जहाँ से होती है यानी पेज के बिगनिंग में की लाइन जो होती है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे. एंड की लाइन यानी आपके डॉक्यूमेंट की जो लास्ट लाइन होगी आप वहाँ पे जंप करेंगे, यानी आगे वहाँ पे जाएंगे. कंट्रोल सी का यूज़ होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना. कंट्रोल वी का जो यूज़ होता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करना, यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फिर यहाँ पे हम आगे देखेंगे कंट्रोल एक्स है, यानी किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आपको कट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की. और अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करेंगे. अंडू द लास्ट ऑपरेशन को अंडू करना है तो अंडू के लिए आप जानते हैं कंट्रोल प्लस जेड यूज़ होता है. और रीडू के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस वाई. अगर आपको फाइल अपना सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं. और अगर आपको मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको हम दोबारा से सेव एज करना चाहते हैं तो हम लोग F12 शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर देन अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस N का यूज़ करते हैं. और किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस O शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे. आफ्टर देन प्रिंट करने के लिए, जैसा कि अभी हमने आपको टॉपिक प्रिंटिंग का टॉपिक हमने आपको बताया, तो अगर आपको प्रिंट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस P होगा. और अगर किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट की यूज़ करेंगे. और अगर आपको सेलेक्टेड कोई भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है, आप हेडिंग बना रहे हो आपको अंडरलाइन करना है MS Word में डॉक्यूमेंट में अपने, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस B. और अगर आपको इटैलिक करना है, अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है फॉर्मेटिंग में, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस आई. और अगर आपको किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए फाइनली जो शॉर्टकट कीज़ होता है F1 कीज़ होती है, फंक्शन की होती है आपके कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक, सबसे ऊपर की की होती है ये. तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, F1 मिलेगा, जिससे आप किसी भी ये आपके लगभग हर एप्लीकेशन में F1 की का यूज़ होता है. और इसका जो यूज़ होता है वो हेल्प, यानी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप F1 का यूज़ कर सकते हैं. देन माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हमने आपको बताई, प्रिंट करना हमने आपको बताया. और जहाँ से ये आपका चैप्टर नंबर 3 का रिविज़न जो है वो कंप्लीट होता है. और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने क्लास एंजॉय किया होगा. देन इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स,
थैंक यू।